देखिए, सो बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, टॉपिक ध्यान से सुनिएगा। देखिए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं भाइयों और बहनों। देखिए आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास है। पहले आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता दे रहे हैं, उच्च माध्यमिक बंगाल बोर्ड में इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। देखिए उच्च माध्यमिक बंगाल बोर्ड में चैप्टर 1 से सिलेबस शुरू होता है और चैप्टर 21 पे सिलेबस खत्म होता है। चैप्टर 1 से लेके 21, लेकिन देखिए चैप्टर 1 से 21 मतलब टोटल आपको लगेगा 1 से 21 मतलब टोटल आपको 1 से लेके 21 पूरा 21 चैप्टर आपको पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें पढ़ने का एक तरीका है, इसमें जो चैप्टर 1 है उससे क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन इवैल्यूएटिव। मतलब चैप्टर 1 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चैप्टर 1 कहीं भी स्कूल में भी देखो कि चैप्टर 1 टीचर नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि चैप्टर 1 नॉन इवैल्यूएटिव है, चैप्टर 1 बेकार है, उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो आपका पढ़ाई एक्चुअली कहाँ से शुरू होगा बताइए? चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 21 तक। अब इतना चैप्टर का नाम बोलना तो पॉसिबल नहीं हो रही, पॉसिबल है मतलब नाम बोल के फायदा नहीं है। आपको हम सिलेबस का स्ट्रक्चर समझाते हैं, इकोनॉमिक्स उच्च माध्यमिक बंगाल बोर्ड में कैसा है। तो उच्च माध्यमिक बंगाल बोर्ड में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो देखिए चैप्टर 2 से लेके ऑन एन एवरेज 10 तक, 10-11 तक जितने चैप्टर है वो सब चैप्टर ना कम मार्क्स वाले, लाइक 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, नॉलेज वाला चीज़ है, उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और चैप्टर 13-14 के बाद के जो चैप्टर्स है वो सब ज़्यादा मार्क्स का है, कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2-3 क्लास में चैप्टर कंप्लीट, 12-12 मार्क्स, 11-11 मार्क्स। तो लास्ट के जितने चैप्टर्स है सबके सब स्कोरिंग है, स्टार्टिंग के जितने चैप्टर है सबके सब कम स्कोरिंग है, लेकिन पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा तभी आप 80 मार्क्स का पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। और इकोनॉमिक्स स्टार्ट कहाँ से होगा? चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग अपना ट्यूशन में कैसे पढ़ेंगे? हम लोग स्टार्टिंग का एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको और फिर हम लोग लास्ट का चैप्टर पढ़ाएंगे, समझो बाबू। स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ाएंगे एक, तो फिर लास्ट से पढ़ाए, फिर स्टार्टिंग, फिर लास्ट, स्टार्टिंग, फिर लास्ट, ऐसे मिक्स कर करके आपको पढ़ाएंगे। तो चैप्टर हम लोग रैंडमली पढ़ेंगे, ऐसा नहीं लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरा सारे चैप्टर्स। अच्छा, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है इस 21 चैप्टर के अंदर में जो कि बहुत 1-1 मार्क्स का चैप्टर है, 5-6 चैप्टर तो ऐसा है जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको उतना अलग से दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसके साथ ही हो जाएगा। तो जो बड़े बड़े चैप्टर्स है वो सब चैप्टर्स को पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे पढ़ना। भाई और बहनों, इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 2। इकोनॉमिक्स का कोचिंग का जो बुक है, स्टडी मैट है, वो आप लोग को दे दिए हैं। इकोनॉमिक्स में का जो स्टडी मैट है वो आप लोग को कोचिंग का पीडीएफ भेज दिए हैं। आप धीरे 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 बुक्स रेडी रहेगा तो कितना रुपया लगेगा हार्ड कॉपी का वो सब आपको बता दिया जाएगा। पहले हम लोग फिलहाल टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। बुक अगर आप अभी नहीं भी निकाल के बैठेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ नहीं भी है तो कोई जाप नहीं, मोबाइल निकालने का दरकार नहीं क्लास में। चैप्टर 2 से स्टार्ट करें। पहला चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 उसका नाम है डिमांड। डिमांड आप 11 में भी पढ़े थे, 12 में भी पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे और सीए पढ़ाई करोगे उसमें भी पढ़ोगे। कोई भी बड़ा पढ़ाई करिएगा ना कॉमर्स का तो आपको डिमांड चैप्टर इकोनॉमिक्स में आएगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ईजी सब्जेक्ट। देखिए पहला दिन बोल रहे, सबसे ईजी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही होता है अगर आप समझ गए तो, और अगर नहीं समझे तो आपको सबसे हार्ड इकोनॉमिक्स ही लगने लगेगा। तो देखिए हम लोग कोशिश करेंगे बहुत ईजिली समझने का। डिमांड चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 2 मार्क्स। अच्छा, पूरा पेपर कैसे आता है आप लोग का? आप लोग का पेपर में 1x10 MCQ, फिर 1x10 SAQ, फिर 2x10 SAQ, 2 मार्क्स वाला लिखने वाला, और 5 मार्क्स का 8 लॉन्ग क्वेश्चन। ये है 12 का क्वेश्चन पैटर्न। 10 to MCQ, 10 to SAQ, 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 8 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बाबू? 8। तो इसका मतलब 8 तो चैप्टर ऐसा है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, बोलो हाँ कि नहीं? तो भाई और बहनों, बहुत सारे चैप्टर ऐसा है जिसे 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे चैप्टर ऐसा है क्या हो रखा नहीं था ढीला हो गया, बहुत सारे चैप्टर ऐसा है देखिए बहुत सारे चैप्टर ऐसा है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, बहुत सारे चैप्टर ऐसे से 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, बहुत सारे चैप्टर ऐसे से 1 मार्क्स का ही आता है। तो कौन से चैप्टर में क्या है वो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। सिर्फ आपको शिद्दत से सुनना है, समझना है। और जो बच्चे लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं बताइए, कि बच्चे लोग याद नहीं करने मांगते, तो वो आपको अवॉइड करना होगा। आप याद करने का आदत अभी से डाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते गाइस। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर, बताइए चैप्टर 1 क्यों नहीं पढ़े बताइए? क्योंकि चैप्टर 1 से क्वेश्चन नहीं आता। तो चैप्टर 1 जो है वो क्या है बताइए? मत करिए, ब्रेक हो जाएगा। देखिए रेडी, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। बात में बाबू, चैप्टर 2 का नाम क्या बताइए? डिमांड। ध्यान से सुनिएगा बाबू प्लीज, चैप्टर 2 हम लोग का डिमांड है।
अच्छा, इससे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम आएगा, मतलब 2 मार्क्स वाला एक तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा। तो बोला ना, स्टार्टिंग का चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का है लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा, कम मार्क्स का है, और लास्ट का जो चैप्टर है कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स का है। बट ये सिंस ये स्टार्टिंग है इकोनॉमिक्स का, तो इसको पढ़ाना जरूरी बनता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिमांड? डिमांड क्या होता है, डिमांड किसे कहते हैं? तो भाइयों और बहनों, इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि किसी भी सिचुएशन को डिमांड कहने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। पहला, आपके अंदर डिजायर होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, और तीसरा आपके अंदर विलिंगनेस होना चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन एक साथ काम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अबू? डिमांड। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड कब होगा? इकोनॉमिक्स में डिमांड तब होगा जब कितना कंडीशन होगा अबू? 3। कितना कंडीशन? बोलिए ना, कम ऑन प्लीज। डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय, एंड विलिंगनेस टू बाय। डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय। इसका मतलब होता है कोई भी सिचुएशन आ रहे थे, रास्ता में एक तो BMW कार देख लिए, आपको इच्छा हुआ BMW कार खरीदने का, क्या ये आपका डिमांड है? नहीं। पॉकेट में चेक के 20 रुपया डिमांड होगा? नहीं। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड तब होता है जब आपका डिजायर भी हो और एबिलिटी भी हो। चलो कभी कभी तो ऐसा होता है कि डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो फिर वो डिमांड नहीं बनता है। विलिंगनेस मतलब जाके खरीदे ही नहीं। जैसे ट्यूशन आ रहे थे, आपने आइसक्रीम देखा, आपको मन किया खाने का, पॉकेट चेक किया, 20 रुपया भी था आपके पास, एबिलिटी भी था, लेकिन आप जाके दुकान से लिए नहीं। तो अगर जाके दुकान से लिए नहीं तो डिमांड हुआ नहीं। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड कब होगा? इकोनॉमिक्स में डिमांड तब होगा जब आपके पास डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू बाय। मेरा पूरा नोट्स जो इकोनॉमिक्स का कौन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो जो आपको हम बोल रहे वही उसमें लिखा हुआ हो। जब आपको पढ़ेंगे ना घर में, अगर किताब देखेंगे पूरा क्लास वाला ही वर्ड है। तो जल्दी बताइए ना, डिमांड करने के लिए कितना कंडीशन? डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय। भाई नहीं, बाय। किसी चीज को खरीदने का इच्छा, देखो इच्छा बहुत कुछ होता है आप लोगों के मन में, हर इच्छा आपका डिमांड तो नहीं, क्योंकि हर चीज को खरीदने का आपके पास हैसियत भी तो नहीं, और हैसियत नहीं है तो वो डिमांड भी नहीं। चाहता बहुत कुछ है इंसान, हम भी बहुत कुछ चाहते हैं, आप भी बहुत कुछ चाहते होंगे जीवन में, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, हर डिजायर डिमांड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर चीज खरीदने का हम लोग के पास एबिलिटी नहीं होता। तो डिजायर कैन नॉट बी योर डिमांड अनलेस और अंटिल यू हैव द कैपेसिटी टू बाय दैट। आपका डिजायर कभी डिमांड नहीं हो सकता है तब तक जब तक आपके पास खरीदने का इच्छा ना हो। तो इकोनॉमिक्स के शब्दों में डिमांड कब होगा? जब 3 कंडीशंस होंगे, डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय। डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय। ये तीनों कंडीशन अगर होंगे तो ये क्या बन जाएगा अबू? डिमांड। अच्छा, तो यही पहला पॉइंट डेफिनेशन आपको पढ़ना था कि अगर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, तो कोचिंग का नोट्स में भी ये लिखा हुआ है कि डिमांड कैन बी सेड एज अ एनी सिचुएशन कैन बी सेड एज अ डिमांड व्हेन देयर आर 3 कंडीशंस। कोई भी सिचुएशन को डिमांड कहने के लिए कितना कंडीशन है अबू? 3। डिजायर टू, एबिलिटी टू, विलिंगनेस टू, ये 3 चीज। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है भाई और बहनों, अब अगला टॉपिक जो बुक में आपको मिलेगा कोचिंग का, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वो कौन कौन सा चीज़ है जिसके ऊपर सामान का डिमांड डिपेंड करता है, वो कौन कौन सा चीज़ है जो बताता है कि डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा। तो कौन कौन सा चीज़ पे डिपेंड करता है कि डिमांड आपका ज़्यादा होगा कुछ सामान का या डिमांड कम होगा, बस समझे ना, ये सारा चीज़ किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वो कौन कौन सा चीज़ है जो फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करता है? एक सेकंड हो जाएगी, 8 बजे उसके बाद जब सुविधा होगा आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब, अच्छा तो ये वाला बात समझ गए ना, जल्दी बताइए इकोनॉमिक्स में डिमांड कब होगा? जब कितना कंडीशन होगा? 3। डिजायर टू, एबिलिटी टू, विलिंगनेस टू, खरीदने का इच्छा भी है, पैसा भी है और खरीद भी लिए, तो ये क्या बन गया? डिमांड। तो कोई भी चीज को डिमांड कहने के लिए कितना कंडीशन चाहिए? 3। डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। अगर तीनों कंडीशन साथ में है तो ये क्या बन जाएगा? डिमांड। अदरवाइज को डिमांड नहीं बोलेगा। अब आपको हम वो चीज पढ़ाने वाले हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिमांड ज्यादा होगा कि कम होगा, डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा। पहला चीज है, 4 फैक्टर आपको पढ़ाएंगे आज। पहला पॉइंट है कोचिंग के बुक में, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कोई भी सामान का दाम। इसी का दूसरा नाम है प्राइस इफेक्ट। आपको एग्जाम में पूछेगा ना 2 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इफेक्ट, तो पूरा ये वाला एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा। प्राइस इफेक्ट क्या होता है भाई? इसका मतलब प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है? प्राइस मतलब कोई भी सामान का दाम। तो इकोनॉमिक्स में बड़ा इजी वे में बोला गया है कि कोई भी सामान का दाम और डिमांड में उल्टा रिलेशन है, उल्टा मतलब नेगेटिव रिलेशन। कोई भी सामान जब महंगा होता है तो नॉर्मली हम लोग कम खरीदते हैं, और सस्ता होता है तो क्या खरीदते हैं? अब ज़्यादा। तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। सामान अगर महंगा होगा तो हम लोग क्या खरीदेंगे? कम।
और सस्ता होगा तो महंगा सामान आदमी कम खरीदता है और सस्ता सामान आदमी क्या खरीदता है बाबू ज्यादा। तो इकोनॉमिक्स में बड़ा अच्छा बात लिखा गया है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। अच्छा बताइए, कोई सामान महंगा होगा तो आप कम खरीदिएगा और सस्ता होगा तो क्या खरीदिएगा ज्यादा। ये तो इकोनॉमिक्स में तो आज आप पढ़ रहे, बट ये तो आपको पहले से भी पता है कि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब उल्टा रिलेशन। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को क्या नाम दे। तो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। तो पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन यू फाइंड बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, कैसा रिलेशन बताइए, नेगेटिव। आप नेगेटिव बोलिए, आप इनडायरेक्ट बोलिए, आप इनवर्स बोलिए, तीनों एक ही चीज है, नेगेटिव रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। तो पहला पॉइंट अगर नोट्स में आप पढ़ने जाओगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि देयर इज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। महंगा होगा तो सामान कम खरीदेंगे, सस्ता होगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। बोलिए हाँ कि नहीं, क्लियर है बच्चों। ये था पहला पॉइंट जो मेरा नोट्स में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ जो आपको बोले। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब ये पॉइंट को ऐसे बोलेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो भी वही लिखेगा। और अगर आपसे ये पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट से आप क्या समझते हो, तो भी क्या लिखोगे, वही लिखो। प्राइस इफेक्ट में भी वही लिखना है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं दूसरा फैक्टर के ऊपर। दूसरा फैक्टर है बच्चों इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी सामान का कंज्यूमर का जो इनकम होता है, कोई भी कस्टमर का जो इनकम होता है, इनकम के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है। कैसे, सुनिए, इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन। तो अब अपना बात करिए, जब आप ज्यादा कमाने लगोगे तो आपका चॉइस, आपका इंटरेस्ट जो है वो सुपीरियर गुड्स के लिए बढ़ जाएगा। सुपीरियर गुड्स मतलब हाई क्वालिटी गुड्स, अच्छा सामान। और जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका डिमांड घट जाएगा। किसके लिए घट जाएगा बताइए, इंफीरियर गुड्स के लिए। इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी सामान। जब एक आदमी ज्यादा कमाने लगता है ना, अपने आसपास माहौल में, अपने ऊपर भी आप देखोगे, जब आपके पास पैसे से, अभी आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग के लिए क्या, आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या है जो मिला ठीक है चलो। जैसे जैसे आप अमीर हो जाएंगे, जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप बहुत चूजी बन जाते हो, कौन सा सामान सुपीरियर होता है और कौन सा सामान इंफीरियर होता है, कौन सा सामान को अच्छा माना गया है, कौन सा सामान को खराब माना गया है, इसका कोई डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में नहीं है। क्यों नहीं है बताइए, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड कैन नॉट बी डिफाइंड। क्यों, जो आपके लिए अच्छा है हो सकता है किसी के लिए हो खराब, और जो आपके लिए खराब है हो सकता है वो किसी के लिए अच्छा हो। जैसे बात समझिए, जैसे आप अमीर हो जाइएगा तो आप हमेशा महंगा सामान खरीदना चाहोगे, और जैसे जैसे आपका अमीर हो जाओगे तो सस्ता सामान आप क्या यूज करोगे, कम। मतलब तो इसीलिए देखोगे अमीर लोग महंगा सामान ज्यादा यूज करते, मतलब जो लोग रिच होते हैं वो लोग महंगा सामान ज्यादा यूज करते, और जिनका इनकम कम होता है वो लोग क्या करते हैं, सस्ता सामान ज्यादा यूज करते। तो इकोनॉमिक्स में बोला गया है हायर द इनकम हायर द डिमांड फॉर कौन सा गुड्स, सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर मतलब हाई क्वालिटी गुड्स, एंड हायर द इनकम लोअर द डिमांड कौन सा गुड्स के लिए बताइए, इन्फीरियर गुड्स। तो जब आप ज्यादा कमाइएगा तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, कौन सा गुड्स के लिए, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब जो अच्छा सामान है। और जब आप ज्यादा कमाइएगा तो आपका डिमांड घट जाएगा, कौन सा गुड्स के लिए, जो खराब सामान। जैसे आप, जैसे जो गरीब आदमी, गरीब शब्द अपने आप में गलत है बट पढ़ाने के लिए आपको हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे आप कोई व्यक्ति गरीब मतलब बोलना गलत होगा, किसी के पास मान लीजिए इनकम कम है, तो जब आपका इनकम कम है तो यू डोंट बॉदर व्हाट प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, आपको फर्क नहीं पड़ता है आप क्या यूज कर रहे हो, कौन सा सामान यूज कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है। बट जब आप ज्यादा कमाने लगते हो तो आप बहुत चूजी हो जाते हो, तब आप चॉइस करने लगते हो कि नहीं हम लक्स से नहीं आएंगे, हमको डव चाहिए, नहीं हम डव से नहीं आएंगे, हम पियर्स चाहिए, नहीं हम पियर्स से नहीं आएंगे, हम वीवेल चाहिए। तो आदमी का चॉइस है, बस समझे ना। ये सारा चीज कौन लोग सोचते हैं, अमीर लोग सोचते हैं। जो बेचारा गरीब है जिनका इनकम कम है उनके लिए क्या फर्क पड़ता है, लाइफ बॉय मार्गो कभी जरूरत पड़ेगा भीमबार से भी ना लेंगे कोई चाप नहीं है, ये सब चीज कौन सोचता बताइए। आप दिल से सोचिए, जैसे जैसे आप रिच होंगे आप सोचो ना। तो हमने इसीलिए आपको कहा ना, कौन सा चीज सुपीरियर है और कौन सा चीज इंफीरियर है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं, बहुत बात मत करिए प्लीज। कौन सा चीज सुपीरियर है, कौन सा चीज इंफीरियर है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। क्यों, व्हाट इज सुपीरियर फॉर यू मे बी इंफीरियर फॉर मी, व्हाट इज सुपीरियर फॉर मी मे बी इंफीरियर फॉर यू। जो हमारे लिए सुपीरियर है हो सकता है आपके लिए इंफीरियर, और जो हमारे लिए इंफीरियर है हो सकता है आपके लिए सुपीरियर।
ऐसा होता है अक्सर, बात समझे ना। जैसे हम कहते हैं, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देखिए, देख अगर हम बोलते हैं 50 रुपया, हम बोलते हैं आपको कल 50 रुपया देना, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, आप लोग कुछ बच्चे बोलेंगे बस 50 रुपया, कुछ बच्चे बोलेंगे बाबा 50 रुपया। फर्क क्या है, डिपेंड करता है किसका क्या इनकम। 50 रुपया कम है ये बोलना गलत होगा, क्योंकि किसी के लिए 50 रुपया भी बहुत ज्यादा है। 10 रुपया कम है बोलना गलत होगा, किसी के लिए 10 रुपया भी ज्यादा है। तो हर उस चीज का वैल्यू उस व्यक्ति से जाके आप पूछिए जिसके पास वो चीज नहीं है। आप याद रखिए, अगर हमारे पास 50 रुपया नहीं है तो हमारे लिए 50 रुपया का भी वैल्यू, अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए 50 रुपया बहुत कम है। तो कौन सा चीज ज्यादा है, कौन सा चीज कम है, कौन सा चीज सुपीरियर है, कौन सा चीज इंफीरियर है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। वक्त चीजों को सुपीरियर और इंफीरियर बना देता है। आप ट्यूशन से निकल के जिस फुचका दुकान में रोज फुचका खाते हो, या दोस्तों के साथ सप्ताह में एक दिन दो दिन आप फुचका खा लेते हो, वही फुचका दुकान में 4 साल 5 साल 10 साल बाद जब आप अमीर हो जाएंगे, वहां से गुजरिए बोले सो गरीब, गाड़ी के अंदर बैठ के बोलेगा सो गरीब पीपल, क्या बोलेगा सो गरीब पीपल। तो ये क्या हो गया बताइए, बदल क्या गया, वक्त चेंज हो गया आपका इनकम, और आज आपका सोच भी बदल गया कि वही फुचका जिसके लिए आप तड़सते थे, जिसके लिए आप मार कर देते थे फुचका खाने के लिए, जिस फुचका के लिए आप एक एक घंटा लाइन में खड़ा रहते थे, वही फुचका आज आपको घटिया लगने लग गया। क्यों? क्योंकि फुचका घटिया नहीं हुआ, आप अमीर हो गए। ये समझिए आप, इकोनॉमिक्स का इफेक्ट है। और आपका इनकम बढ़ गया, जब आपका इनकम बढ़ जाएगा ना, योर डिमांड विल ऑटोमेटिक स्टार्ट फॉलिंग फॉर दोज गुड्स विच आर लो क्वालिटी। आपका डिमांड उन चीजों के लिए घटने लगेगा जो चीज कैसा है बाबू, लो लो क्वालिटी, पुअर क्वालिटी। समझे कि नहीं समझे, बोली। तो अच्छा, तो इनकम इफेक्ट में 3 सिचुएशन होता है। एक होता है सुपीरियर गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स, और एक तो है जो अभी आपको पढ़ाएंगे। तो सुपीरियर गुड्स में क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इसीलिए कैसा रिलेशन, पॉजिटिव। तो आपसे बुक कोचिंग का बुक में लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, दैट मीन इफ द इनकम इंक्रीजेस योर डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। जब इनकम बढ़ेगा तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा। लैंग्वेज को सुनिए, लैंग्वेज को सीखिए, एक पढ़ाई एक प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट। आप ओवरनाइट सोचेगा रात में पढ़ेंगे सो जाकर एग्जाम देंगे तो सिर्फ पास मार्क्स उठेगा, और अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो कंसिस्टेंटली एवरी डे एक एक चीज पढ़ना होगा तब जाके अच्छा मार्क्स आएगा। और इन्फीरियर गुड्स में क्या होगा बताइए, जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, कौन सा चीज के लिए बताइए, लो क्वालिटी। और एक सिचुएशन है उसका नाम है न्यूट्रल गुड्स, न्यूट्रल गुड्स, वट एवर बी द इनकम, इनकम आपका कितना भी हो जाए डज नॉट मैटर, फर्क नहीं पड़ता है आपका डिमांड पे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वट एवर बी योर इनकम, डिमांड इज नॉट अफेक्टेड। आपका इनकम कितना भी हो जाए डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी कमाने लगी, कल भी उतना यूज करते थे आज भी उतना यूज करें। तो ऐसा कौन सा गुड्स में होता है बताइए, न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल गुड्स मतलब कुछ ऐसे सामान होते हैं ना जिसका हम लोग का इनकम से कोई लेना देना नहीं, जैसे नमक। जब आप गरीब थे तो कम नमक यूज करते थे, अमीर होंगे तो मार नमक खाली नमक ही खाइएगा क्या, पूरा जीवन को नमकीन बना लीजिएगा, पॉसिबल नहीं है गाइस। नमक कल भी उतना खाते थे आज भी उतना ही खाएं। और एक बड़ा सुंदर एग्जांपल है इसका न्यूट्रल गुड्स का, मैचस्टिक्स, जिसको हिंदी बोलते हैं माचिस। माचिस में क्या होता है बताइए, अगर मान लिया गरीब थे तो माचिस यूज करते थे, अमीर होंगे तो क्या यूज करेंगे। हम चाहते थे कि कोई बच्चा बोले और आप बोली दिए, थैंक यू गाइस गलत बोलने के लिए, क्योंकि हर बार जब जब हम ये टॉपिक पढ़ाए कोई ना कोई बच्चा बोल ही देता है कि लाइटर यूज करेंगे। बट सुनिए, माचिस का काम लाइटर नहीं कर सकता और लाइटर का काम माचिस नहीं कर सकता, नहीं सर दोनों तो जलाने का ही काम करता है ना। अच्छा आपको हम एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपकी माता जी अगरबत्ती दिखा रही है, अगरबत्ती दिखाने जा रही है, पूजा करने आ रही है, हनुमान मंदिर, राम मंदिर, काली मंदिर, कोई भी मंदिर में गई या कहीं भी पूजा पाठ करने इबादत करने गए, और वहां पे मान लीजिए अगरबत्ती लेके खड़ी है, अब हमें बोली माचिस नहीं मिला था, ये तो लाइटर निकाल देने वाली, लाइटर निकाल दीजिएगा, होगा काम नहीं। होगा धूमधाम, पहले मैं भी पूजा बाद में, पहले आपका साथ पूजा होने लगेगा, धूमधाम धूमधाम शुरू, WWE शुरू है, लाइटर काहे बा, लाइटर क्यों। और देखो किसी का बर्थडे में माचिस की जगह अगर आप भूल से लाइटर निकाल देते पूरा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, पूरा बर्थडे में जितने लोग हैं सब आपको अजीब से देखने लगते हैं, लाइटर पीता है का। तो आदमी का मन में ऐसा ख्याल है, ये क्या है। तो देखिए, तो माचिस का काम ना बाबू लाइटर नहीं कर सकता, क्योंकि माचिस और लाइटर सब्स्टिट्यूट नहीं है, इकोनॉमिक्स की भाषा में ही समझा रहा है आपको, माचिस और लाइटर एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट मतलब उसके जगह यूज नहीं कर सकते। माचिस माचिस है, लाइटर लाइटर है, लाइटर का जो काम है वो लाइटर ही करेगा,
अब माचिस का जो काम है माचिस ही करेंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा, माचिस अमीर थे, गरीब थे तो कम माचिस यूज करते थे, अमीर हो तो खाली माचिस खरीदोगे, माचिस खरीद करके सब घर में आग लगाइएगा। तो माचिस क्या है? न्यूट्रल गुड्स, इज नॉट अफेक्टेड बाय योर इनकम, व्हाट एवर यू अर्न, कुछ भी कमा लो आप, फर्क नहीं पड़ता है, व्हाट एवर बी योर इनकम। तो अब जल्दी बताइए, इनकम और डिमांड में रिलेशन कितना तरह के होते हैं? तीन, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कौन सा गुड्स में? सुपीरियर। नेगेटिव कौन सा गुड्स? इंफीरियर। और जीरो न्यूट्रल गुड्स। बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ। पॉजिटिव, बहुत बात नहीं, एक दो बच्चे बात कर रहे हो खाली। पॉजिटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या? इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। नेगेटिव मतलब क्या? इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेगा, सॉरी इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। और जीरो मतलब क्या? इनकम कितना भी हो जाए डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुक में जाओगे, कोचिंग में पीडीएफ भेजी दी है, कुछ घर जाओगे पीडीएफ खोलिएगा, उसमें देखिएगा सारा बात लिखा हुआ है। एक दो दिन बाद तो बुक आ ही जाएगा धीरे धीरे। तो भाइयों बहनों, अगला पॉइंट में चलिए, दो पॉइंट हो गया। अगर हम इंग्लिश में बोले तो इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स, नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स एंड जीरो इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड्स। व्हाट इज न्यूट्रल गुड्स? तो न्यूट्रल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर नॉट अफेक्टेड बाय योर इनकम। व्हाटएवर बी यू अर्न, व्हाटएवर इज योर अर्निंग, डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, आपका डिमांड जो है वो चेंज नहीं होता है। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो पॉइंट हो गया नोट्स का। नोट्स का तीसरा पॉइंट जो मेरा नोट्स में है, जिससे डिमांड अफेक्टेड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। भाई डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है देखा देखी, देखा और देखी। तो जैसे हम लोग देखा देखी कहते हैं ना, आपको लगता होगा शादी ब्याह का बात होगा, नहीं, हर टाइम शादी ब्याह का बात मत करो, मार खा जाओगे। देखा देखी मतलब जलन, जलन खोर, यू नो वेरियस टाइम्स यू बाय द प्रोडक्ट, आप जलन से सामान खरीद लेते हो। इकोनॉमिक्स में लिखा गया ये बात कि आदमी इसलिए सामान नहीं खरीदता क्योंकि उसको जरूरत है, इसलिए खरीद लेता है क्योंकि उसको जलाना है या जलना है, जल रहा है किसी से वो। आप मान लीजिए कॉपी खरीद के लाए और आपका बगल वाला दोस्त बंगाल बोर्ड वाला कॉपी यूज कर रहा, तो बंगाल बोर्ड वाला, जो बच्चा बंगाल बोर्ड वाला कॉपी यूज कर रहा वो देखा कि इसका पास क्लासमेट का कॉपी है, तो उसको जलन हो गया कि बेटा अगर ये क्लासमेट का कॉपी ला सकता तो हम भी अगला दिन से क्लासमेट का कॉपी लें। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जलन अगर, देखिए जलन बहुत अच्छा चीज भी है, खराब चीज भी। कॉम्पिटिशन अगर बायर में होगा तो फायदा किसको होगा? सेलर को। झगड़ा आप लोगों में होगा, फायदा किसको होगा? हमको। झगड़ा इन द सेंस बिजनेस के हिसाब से समझिए। ये देखिए देखिए मारपीट के लिए बोले भैया को फायदा होगा, नहीं वो तो नुकसान है। आर कॉम्पिटिशन मतलब झगड़ा अगर सेलर में होगा फायदा किसको होगा? बायर को। कॉमन सेंस। एक एरिया में 10 चाउमीन दुकान है, 10 दोनों 100 दुकान में एक दूसरे में जलन है वो लोग का बहुत, तो फायदा आपको होगा, सामान सस्ता कम दाम में अच्छा सामान मिले, बस समझ रहे। और अगर मान लीजिए जहां पर मान लीजिए बायर में आप लोगों में झगड़ा होगा, फायदा किसको होगा? सेलर का, क्योंकि बायर जो है ज्यादा से ज्यादा दाम देने के लिए तैयार रहे। इकोनॉमिक्स में बोला गया कि समटाइम्स वी बाय द प्रोडक्ट नॉट बिकॉज वी वॉन्ट देम बट बिकॉज वी हैव सीन समवन एल्स यूजिंग देम। हम लोग बहुत बार सामान इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमको जरूरत है, हम लोग इसलिए खरीदते क्योंकि हम लोग देखे कि बगल वाला का पास ये चीज़ तो मेरे पास क्यों नहीं। जैसे एक आदमी के मन में एक फीलिंग आता है कि इफ मिस्टर अभिषेक कैन अफोर्ड दिस व्हाई कांट आई, तो ये सोच जो आपका है ना, ये सोच से मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है। अगर हम बोले कि अभिषेक के पास ये चीज़ तो मेरे पास क्यों नहीं, तो जब मेरे अंदर जलन आया फायदा किसको हुआ? दुकानदार को। दुकानदार अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है, बेटा जलन गुड बॉय, जलन करो, कहे जलन मेरे में होगा खुशी किसको होगा? यस, सेलर खुश है अंदर अंदर। कोई बच्चा मान लिया, कोई आप लोगों में से कोई बच्चा जिद्दी है, दुकान के पास ना हमको चाहिए, मतलब चाहिए ना चाहिए, हम चाहिए, जैसे बोला हमको चाहिए चाहिए, दुकानदार बाहर से बोलेगा भाव कहे जिद कर, अंदर अंदर मुंह घुमा के हंस रहा सही है, कहे उसको पता है कि बेटा मेरा कस्टमर है। आप जितना जिद करिएगा कि पापा हमको चाहिए हमको चाहिए, मैं दोस्त के पास घड़ी है हमको भी घड़ी चाहिए हमको भी घड़ी चाहिए, बस फायदा घड़ी वाला बिजनेसमैन को होगा। कि बहुत बार जलन से भी सामान खरीद लेते हैं हम लोग, देखा देखी से सामान खरीद लेते हैं, बहुत बार हीरो हीरोइन को कॉपी करके सामान खरीद लेते हैं। आप फ्लिपकार्ट में तो ड्रेस देखे सलमान भाई पहन के, तो आपको लगा कि सलमान भाई वाला कपड़ा हम पहनेंगे तो हम भी सलमान का लगेंगे, आप जब फ्लिपकार्ट से कपड़ा मंगाया बलमान भाई बन गए। तो ये क्या हो गया? आपको याद रखना है कि डोंट कॉपी इट, बट जो भी हो ये तो खैर अलग बात है, डोंट कॉपी, कॉपी करना चाहिए नहीं करना सेकेंडरी चीज है। इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि कॉपी से भी डिमांड बढ़ता है, कैसे? आपको जलन होगा, आपके अंदर टसन होगा कि हमको चाहिए मतलब चाहिए, तो फायदा हमको होगा मतलब सेलर को होगा। आप लोग जितना हो गया ना निकाल लीजिए, देख लेंगे बाद में, अभी क्लास करा है, बाद में निकलना पॉसिबल, ठीक ठीक है, सीट दे दीजिए उसको। देखिए
गेट बंद कर दिया, गेट बंद करिए, बेटा आवाज़ सुन सुन के मेरा कान खराब हो गया। देखिए तो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है भाइयों और बहनों कि देखा देखी कॉपिंग, व्हेन यू स्टार्ट कॉपिंग द हैबिट ऑफ समवन एल्स, जैसे आप देखो और ऐसा ना साइकोलॉजिकली बोला गया है, विथ नो ऑफेंस, आप इसको गलत मत समझिएगा, लेकिन ऐसा साइकोलॉजिकली बोला गया, गूगल वूगल में भी लिखा गया है कि जनरली पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर जलन का जो प्रोसेस है ज्यादा होता है। अब अगर आप गलत बोल रहे हैं तो आपका दिल जानता होगा, नहीं आप गलत बोल रहे आप महिला है क्या? आप महिला है क्या? देखिए इधर आस्ते, बात नहीं, बात नहीं, सुनिए, पूरा बात तो बोलने नहीं दिया, बात में लात मार दी, पूरा बात तो सुनिए। देखिए क्योंकि ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा लिखा गया, और क्योंकि आपको हम दो तीन एग्जांपल देता, मिला लीजिएगा, हाँ भैया ठीक ही बोल रहे थे, गलत नहीं बोले। तो जैसे आप देखोगे जनरली क्या होता है, बॉयज लोग का जो फ्रेंडशिप है वो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन लोग में क्या होता है जनरली ये सब चीज़ नहीं आता, पर जनरली महिलाओं का जो मित्रता होता है, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरा बहन हो, चाहे मेरा वाइफ हो, चाहे आप लोग हो, आप लोग जो बच्चे लोग यहाँ बैठे हो, जनरली क्या होता है, जो बच्चे लोग वीडियो देख रहे हो, बात समझ लेना, जनरली ऐसा महिलाओं में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, देयर बॉन्डिंग इज नॉट सो स्ट्रांग, उन लोगों का जो बॉन्डिंग है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। महिलाओं में क्या होता है, आप लोग लड़की लोग में भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो लड़की आप लोग आते हो साथ में आते हो, जाते हो, पढ़ते हो, क्लास करते हो, बाद में देखिए दोनों में अंदर अंदर बहुत नफरत है, बहुत टसन है, आपका दिल जानता होगा, सही बोले गलत है, अब भयानक जलन है आपके अंदर, आपका दिल जानता होगा, अपने आत्मा से पूछिए, आपका आप अपना आत्मा से पूछ के देखिए, अगर आपको लगता है नहीं भैया आप गलत बोल रहे तो आप बोलिएगा तो हम माफी मांग लेंगे आपसे, बट ये सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली सही है। हम लोग अपने घर में भी देखते हैं, मम्मी को भी देखते हैं, अपना मम्मी को ही देखते हैं, बस समझे ना, बाहर को क्यों देखने, अपने घर का ही बात बता रहे, देखते हैं कि कोई महिला आती है, मम्मी खूब उसको खिलाती पिलाती, चाय वाय पिलाती, नाश्ता सा कर रही, चलिए तो उसको बैठ के बुराई करते रहते, तो वहीं से हमको पता चला कि वो ऐसा होता है क्या। बस उसके बाद बहुत बार बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे बच्चे आप लोगों में भी है, जैसे साथ में आते हो किसी दिन मान लीजिए नहीं आए, तो बोले बाबा आपका दोस्त नहीं आई, बोला हाँ मेरा दोस्त नहीं है, बोले आपका तो बेस्टी है ना, बोले नहीं नहीं मेरा बेस्टी नहीं, फालतू बात मत करिए आप, बोला फालतू बात, आपका तो बेस्टी, आप साथ में आते हो, 11 से आ रहे, बोले वो तो मेरा मम्मी बोलती है मजबूरी में जाते इसका साथ, एक जगह से आते हैं ना तो मम्मी बोलती है साथ में जाओगे साथ में आओगे, एकदम वो लड़की पसंद नहीं। तो ये चीज है ना भाइयों बहनों, बहुत अच्छा चीज है, इसके कारण ही डिमांड मार्केट में बना हुआ है। काहे कि अगर बात समझिए, देखिए जैसे अगर आपके घर में, अगर मान लीजिए आपके घर में टीवी नॉर्मल टीवी है डब्बा वाला, और आपके पड़ोसी के घर में अगर एलईडी टीवी है, तो जैसे ही आपके घर में टीवी आएगा, जनरली जो महिलाएं होती है उनको जलन होना शुरू होता है उसका, इफ दैट पर्सन कैन अफोर्ड द टीवी व्हाई कांट वी, अगर उस व्यक्ति के घर में टीवी है तो हमारे घर में टीवी क्यों नहीं हो। तो ये जो आदत है, ये जो आपका चॉइस है, ये जो आप जलन कर रहे हो ना, इससे हम लोग को फायदा हो रहा है। हम लोग मतलब बिजनेसमैन लोग खुश यार, बोले ये भी जलन, नाइस, कीप इट अप, कहे आपके अंदर जलन होगा मेरा डिमांड बढ़ेगा, आप जितना जलिएगा डिमांड मेरा उतना बढ़ेगा, ऐसे ही होता है ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए बस मैंने जितना, एक बात बताइए, अगर बायर में कंपटीशन होता है, आप देखो जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, तुम लोग एरिया में भी ट्यूशन में क्या होता है, बहुत सारा ट्यूशन है हम लोग एरिया में, वहाँ पे टीचर लोग क्या करते हैं, बैठ के मेरा बुराई करते रहे, तो उसे जितना मेरा बुराई करते हैं मेरा उतना फायदा हो जाता है। कैसे बोलिए, वो जैसे बुराई कर रहा है, हाँ सर ये वो, तो बच्चा सुना, बोले सर कौन है, हम देखने, हमको बड़ा देखने के लिए गली का बाहर आ गया, फिर एक दिन देखा, बोले एक दिन गली के अंदर जाना है, फिर तीसरा दिन कुछ के अंदर बैठा हुआ। क्या है ये, क्या है बताइए, जलन, क्या बाबू जलन, आप जितना जलन करिएगा बाबा उतना डिमांड बढ़ेगा, सिंपल याद रखिएगा। तो बायर में जलन होगा, फायदा किसको होगा, सेलर। आप जलिए ना, प्लीज जलिए। आप लोग जब कोचिंग का बुक लेके आना ना, कैसे बुक तो अभी है नहीं, दिखा देते, कोचिंग का बुक अभी सब खत्म हो गया, कोचिंग का बुक ऐसे लेके आना, कैसे लेके आना, ऐसे ऐसे लेके आइएगा ना, जनरली फीमेल स्टूडेंट लोग लेके आते हैं, ऐसे लेके आए तो ऐसे करके बुक लेके आइएगा, जितना आप ऐसे लेके आइएगा उतना मेरा फायदा होगा। पढ़ा में जो भी देखो, जलन जलन जलन, हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, जलन से डिमांड। जो भी चीज आप पढ़ते हो ना, सुनो, आपको हम जो भी एग्जाम्पल दिए वो सारा इकोनॉमिक्स को लेके ही एग्जाम्पल दिए, कि आप इकोनॉमिक्स को इतना इजीली समझ सके कि इंसान के अंदर जो टसन है, जो जलन है, वो भी एक डिमांड का वजह होता है। अब उसके बाद भाइयों बहनों चलते थोड़ा और आगे, इसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, थोड़ा इंग्लिश में बोलिए ना सर। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट रेफर्स टू द हैबिट ऑफ कॉपिंग समवन एल्स, जब आप किसी और को कॉपी करते हो, तो समटाइम्स यू बाय द प्रोडक्ट नॉट बिकॉज यू वांट देम, आप सामान इसलिए नहीं खरीद रहे, जैसे मान लीजिए आपका 90% आ गया, अब आपका जो बगल, जैसे मान लीजिए आप 11 का एग्जाम देके आए, चलिए हम अपना कोचिंग वाला एग्जांपल बार बार दे रहे, आप 11 का एग्जाम देके आए, आप लोग का बगल, घर के बगल में दो आदमी रहते हैं मान लीजिए, और एक लड़का है जो बेचारा 11 दिया है वो, लेकिन वो हमारे पास नहीं पढ़ रहे, कहीं और पढ़ रहे बेचारा। अब मान लीजिए आप एग्जाम देके आए, आंटी पूछी बगल वाली कि तुम्हारा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, और अपना लड़का से पूछे नहीं एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, अब आंटी को क्या हो गया, जलन। आंटी को ये नहीं इंटरेस्ट है कि मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है कि कमजोर,
बोला मेरा बच्चा उसका जैसा का ही नहीं किया एग्जाम। तो बोले तुम कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो? तो बोले भाई हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं, सच एंड सच जगह पे ट्यूशन पढ़ते हैं। बोले चलो हम भी पढ़ेंगे। डिमांड बढ़ गया। डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। जितना जलन उतना डिमांड। बात खत्म। यस नो गाइस? आप किसी दोस्त को देखे बाइक लेके यार आपको भी जलन हुआ बाइक खरीद ली, बाइक वाला का डिमांड बढ़ गया। जलिए ना प्लीज, जलिए प्लीज, कम ऑन जलो ना। इसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। अच्छा लास्ट पॉइंट है, देखिए आज के लिए आस्ते बात नहीं बच्चों। देखिए कब इकोनॉमिक्स पढ़ ले लो पता भी नहीं चला। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। बात नहीं, एक दो बच्चे बात कर रहे हो चाची लोग का तरह। आपके अंदर भी जलन बहुत है बाबू। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, अभी पॉपुलेशन क्या होता है सुनिए। हाउ डज पॉपुलेशन अफेक्ट द डिमांड? ये तो बहुत सिंपल है समझाना। हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड, लोअर द पॉपुलेशन लोअर द। हम आपसे पूछते बताइए कोई भी सामान का डिमांड बंगाल में ज्यादा होगा या अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा होगा? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आबादी बहुत कम है। देख रहे हो बेटा नशा में पढ़ाई कर रहे हो। हम बोले अरुणाचल प्रदेश में आबादी बोले बहुत ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में कम है और बंगाल में ज्यादा है। और सुनिए अब थोड़ा आस्ते। अब कोई भी चीज का देखिए बात नहीं बाबू। अब इंडिया के हिसाब से देखिए कोई भी सामान का डिमांड इंडिया में दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया में और चाइना में ज्यादा है। आपको पता है पूरा दुनिया के जो कंट्रीज है वो इंडिया से झगड़ा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते बताइए? क्योंकि इंडिया इज वेरी पॉपुलेटेड कंट्री और पॉपुलेटेड कंट्री होने के कारण इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है कि लोग इंडिया से झगड़ा नहीं करना चाहते। यस समझे? पॉपुलेशन ये तो मार्केट का बात बता रहे आपको, बिजनेस का। तो रुकिए ना बात है क्लास करा। देखिए क्योंकि कोई भी बाबू बात नहीं, कोई भी बिजनेसमैन अब बात समझिए प्रैक्टिकली सोचिए, कोई भी बिजनेसमैन अपना मार्केट खराब नहीं करे। कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि मेरा बाजार खराब हो, मेरा मार्केट खराब हो। और जब देखो इंडिया से अगर कोई कंट्री झगड़ा करेगा तो उसका तो मार्केट खराब हो जाएगा। और किसी भी कंट्री को कमजोर करने का दो ही तरीका, कंट्री हो चाहे इंसान हो, किसी को भी कमजोर करना है तो दो ही तरीका है, इकोनॉमिकली और इमोशनली। आप किसी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं दो ही तरीका से, या तो पैसा से या तो उसको इमोशनल करके, तीसरा कोई तरीका नहीं होता। किसी को जीतना है तो दो ही तरीका से आप जीत सकते हैं, इकोनॉमिकली और इमोशनली। तो अब जैसे चाइना वाला लोग से इंडिया का हल्का सा झगड़ा हुआ था, हल्का सा बॉर्डर पे कोई धक्का मुक्की हुआ था, तो अभी क्या है ना चाइना वाला लोग जो था इंडिया वाला मोदी जी का ईगो मारे बेटा मारोगे हम लोगों देखो तुम बताते हैं, तुरंत टिकटॉक बैन कर दिए। क्या बन गया दिए? टिकटॉक। और ऐसे भी मोदी जी का एक तो और ईगो प्रॉब्लम था। मोदी जी देखिए कि बहुत अच्छा अच्छा लड़का लोग टिकटॉक में खराब हो जा रहा है। कैसे आप लोग टिकटॉक जब चलाए होंगे देखेंगे अच्छा अच्छा लड़का लोग अजीब अजीब हरकत कर रहे टिकटॉक में। तो मोदी जी को लग गया, बोला कि ये क्या हो रहा भाई, अच्छा अच्छा युवा लोग मतलब अच्छा अच्छा यंग हैंडसम हैंडसम लड़का लोग बात नहीं खराब हो जा रहा था। तो मोदी जी बोले नहीं सबको बंद करना होगा, पॉइंट भी मिल गया अच्छा। और ऊपर से क्या है देखिए सिंपल, आपको हमसे झगड़ा करें हम आपका मार्केट बंद कर देंगे। अच्छा आपका मार्केट बंद कर देंगे, जब आपका रोजी रोटी बंद हो जाएगा तो आप कमाओगे कैसे? तो देखिए आप देखो ना कोका कोला फॉरेन ब्रांड है, इंडिया में कितना ज्यादा चलता है और वो लोग कभी इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करता है। एक बार अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एक बार कोई नोटिस देगा कोका कोला कंपनी को कि ये चीज़ को बंद करिए, तुरंत लोग नोटिस का रिप्लाई देगा। क्या उसको पता है कि डर है कि मार्केट अगर मेरा बंद कर दिया तो मेरा बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया उसके लिए, बहुत बड़ा मार्केट। फेसबुक का सबसे ज्यादा यूजर कहाँ है? इंडिया में। इंस्टाग्राम का सबसे ज्यादा यूजर कहाँ है? इंडिया में। बेरोजगार भी सबसे ज्यादा कहाँ है? बस समझे। तो माय डियर स्टूडेंट इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है पूरा दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन ज्यादा है। हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड, लोअर द पॉपुलेशन लोअर द डिमांड। तो किसी भी कंट्री का अगर आप बात करेंगे तो किसी भी कंट्री का जो डिमांड है वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा डिमांड उतना ज्यादा होगा। जिस कंट्री में आबादी कम है वहां पे डिमांड भी कम है, कॉमन सा बात है। जहां पे आबादी ज्यादा होगा वहां पे डिमांड ज्यादा होगा, जहां पे आबादी कम होगा वहां पे डिमांड कम होगा। तो चार पॉइंट तक आपको आज पढ़ाए हैं, अभी चारों पॉइंट हम आपको समराइज करते हैं। आप बताइए फिर आप घर चले आना। देखिए अपना अपना घर जाना बाबू। देखिए सर अच्छा एक बार पूछ रहे बताइए डिमांड कहने के लिए कितना कंडीशन है? तीन, डिजायर एबिलिटी विलिंगनेस। उसका बताइए प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है? सीधा कि उल्टा? सामान महंगा होगा तो क्या खरीदेंगे? कम। सस्ता होगा तो ज्यादा। बट कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं ना जहाँ पे ये रूल काम नहीं करता है, वो आपको अगला टॉपिक है, अगले दिन में जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। दूसरा बात बताइए जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, कौन सा गुड्स का? सुपीरियर। सुपीरियर मतलब अच्छा कि खराब? गुड की बैड? बैड की गुड। उसके जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा? इंफीरियर गुड्स। और कौन सा गुड्स है जिसका फर्क ही नहीं पड़ता? वेरी गुड गाइज, नोट्स में जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। उसका तीसरा है डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन जलन। क्या बाबू? जलन, नफरत, घृणा, कॉपी करना किसी को। और लास्ट पॉइंट पढ़ा है आपको पॉपुलेशन।
अच्छा, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहाँ पे डिमांड क्या होगा? ज्यादा। जहाँ पॉपुलेशन कम होगा डिमांड क्या होगा? कम। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलेंगे अगला क्लास में। देखिए प्लीज एक बात बता